नमस्कार दोस्तों। तो आज KVS इंटरव्यू का थर्ड डे था और वो कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, है ना। तो जो कल और परसों के क्वेश्चंस थे वो भी कहीं कहीं दिखा, लेकिन कुछ नए नए क्वेश्चंस भी देखे गए, है ना। तो हमेशा की तरह जो सब्जेक्ट है उसकी बातें करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चंस है उस पर हम आपसे ज़रूर बात कर सकते हैं, है ना। तो आइए कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। तो देखिए, एक जगह पूछा गया कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन से टीचर को रिप्लेस किया जा सकता है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन से टीचर को रिप्लेस किया जा सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन था, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद जो है कहीं पूछा गया कि NEP का विजन क्या है, है ना। व्हाट इज द विजन ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, चूंकि बात हुई है ऑनलाइन एजुकेशन की, तो साथ साथ में ये भी पूछा गया कहीं कहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन के प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, है ना। हर चीज का अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो वही पूछा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन का प्रॉफिट और लॉस क्या है। अच्छा, साथ में जो है एक देखने को मिला, जो कल परसों देखने को नहीं मिला था, वो पूछा गया आपसे कि आप अपने टीचिंग में ICT को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि आप ICT से कैसे पढ़ाएंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ कहीं कहीं ये भी बात हुई, NCF को लेके बात हुआ, है ना। और मैं दो दिन से सोच भी रहा था कि ये NCF को लेके क्यों नहीं बात की गई, तो आज अच्छा लगा कि कुछ पैनल में जो है NCF की बात की गई, तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, बात होनी चाहिए NCF की। अच्छा, कहा गया, कहीं पूछा गया कि यदि क्लास में लड़का बदमाशी कर रहा है और वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाह रहा है और उसने बिल्कुल ग्रुप सा बना लिया है, है ना, और पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो कह रहा है नहीं आगे पढ़ना ही नहीं है और पूरा ग्रुप सा बना लिया है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये आपसे पूछा गया। अच्छा, और पूछा गया कि कल भी ये क्वेश्चन था कि अगर आपको अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट। चलिए, जनरल सा क्वेश्चन है, है ना। और एक लाजमी सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आखिर में, बोला जाता है कि अगर आपको भारत में, है ना, किसी जगह ज्वाइनिंग दे दिया जाए तो आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। ये पढ़ाया तब होता है जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप हिंदी में बोल रहे हैं, है ना, आप हिंदी में अपनी बातों को बयां कर रहे हैं तरीके से, तो वो आपको कहेंगे कि सपोज कीजिए कि अगर आपका तमिलनाडु में पोस्टिंग हो जाता है तो फिर आप कैसे एडजस्ट करेंगे, है ना, कैसे उस माहौल को एडजस्ट करेंगे और कैसे आप जो है इंग्लिश फ्रेंडली बनेंगे, कैसे आप इंग्लिश में अच्छा बोलेंगे, सो मेनी लाइक दिस। अगर आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं तो कैसे, कोई बात हो रही है किसी की, भाई वहाँ पे बिल्कुल हिंदी एरिया है तो वहाँ आप कैसे जो है खुद को एडॉप्ट करेंगे, है ना, और कैसे जो है आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये जाहिर सा सवाल है, मतलब कुल मिलाकर के वो एक तरह से आपके पेशेंस को चेक करते हैं और आपकी क्रिएटिविटी एट दैट टाइम आपसे वो चेक करते हैं कि कितने जो है आप निपुण हैं जवाब देने के लिए, राइट। अच्छा, KVS में कितने स्कूल हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है, लोगो मोटो कल भी बात हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन की ये भी बात हुई कि ये RTE एक्ट क्या है, है ना, RTE एक्ट क्या है। अच्छा, एक जगह ये कंडीशन दिया गया कि अगर आपके क्लास में एक बहुत कमजोर बच्चा है, अगर आपके क्लास में एक बहुत कमजोर बच्चा है तो आप उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, है ना, ये आपसे पूछा गया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो देखिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं आज कह रहा हूँ और इसके साथ साथ जो मैं पिछले दो वीडियो में बोला हूँ उसको जरूर ध्यान दीजिएगा अपने सब्जेक्ट के साथ। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल डीप नॉलेज ले रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज की आपसे बात कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट को जरूर आप देखें और साथ साथ में जो कॉमन क्वेश्चन है इसको जरूर देखें। और हमारे साथ आप बन रहे हैं चकदे मौर्या, थैंक यू।